इस पिक्चर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है कि इतने जीते हुए मेंबर्स हैं इनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, इनमें से कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है। लिस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, किसे कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है किसे नहीं किया जा रहा है वो देखना होता है। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है देखेंगे हम। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो ये लोग कोएलिशन या उसी पार्टी के मेंबर होते हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जब तक मेंबर्स रहते हैं ये लोग, तब तक प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी कभी एक पर्सन जो पार्लियामेंट मेंबर नहीं हुई होता है तो भी मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन ऐसे पर्सन क्या है कि 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना जरूरी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखेंगे, यूजुअली क्या है 60 से 80 तक मिनिस्टर्स हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो यू रैंक होती है मिनिस्टर्स की। फर्स्ट वन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, ये रूलिंग पार्टी के पार्टीज आर हु आर चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं उसी पार्टी के जिस पार्टी का की सरकार होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नेम से ये सभी मंत्री डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट कंप्राइज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। लगभग इनर रिंग होती है मंत्रियों की, टॉप मोस्ट सीनियर जो मंत्री होते हैं लगभग 20 मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर्स। तो ये छोटी छोटी स्मॉलर मिनिस्ट्री जिनके अंडर में आती हैं। और दूसरे रैंक में आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने काम करते हैं वो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स के बाद आपको जो बात जानना जरूरी है, एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज, हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होते हैं हु आर सिविल सर्वेंट्स, जो कि एक सिविल सर्वेंट होते हैं। द कैबिनेट हैज टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट एक ऐसी टीम जो कैबिनेट के सेक्रेटेरिएट द्वारा असिस्टेड है, कैबिनेट के सचिवालय के द्वारा हेल्पफुल होती है। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट, इसमें बहुत से सीनियर सिविल सर्वेंट शामिल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की पावर में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। द रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के हेड होने के नाते क्या है, द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। तो प्राइम मिनिस्टर पास बहुत बड़ी पावर्स की रेंज होती है। फर्स्ट वन, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। तो पहला क्या है, वो कैबिनेट मीटिंग्स की चेयर्स करता है, अध्यक्ष होता है। जितनी मीटिंग होंगी उनमें प्राइम मिनिस्टर सभी कैबिनेट मीटिंग्स का अध्यक्ष होता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क में भी कोऑर्डिनेट का काम करता है, यानी कि सहयोगी का काम करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क का। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट के बीच जो डिसएग्रीमेंट होता है उसमें उसका डिसीजन फाइनल होता है। फोर्थ है, ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, तो अलग अलग मंत्रालयों की सुपरविजन का काम करता है, यानी कि उन सब में सीनियर है वो। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, तो सभी मंत्री प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में वर्क करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रिडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको दिया जाए। ही आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर पास ये पावर भी होती है कि वो मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स,
अब मेन बात यहाँ पर है, जब प्रधानमंत्री क्विट कर जाए, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो द इंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, तो पूरी मिनिस्ट्री, पूरा मंत्रालय क्विट कर जाएगा। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विद इन द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल। तो अगर कैबिनेट पावरफुल है तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वैसे होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज्ड सो मच इन रिसेंट डिकेड्स। तो वर्ल्ड के सभी डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इंक्रीज हुई है। मेन पॉइंट है, जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड इनॉर्मस अथॉरिटी। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत बड़ी अथॉरिटी का यूज किया था, बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक पर उनका बहुत बड़ा असर था। इंदिरा गांधी वाज आल्सो वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन कैबिनेट। अपनी कैबिनेट में कलीग्स के कंपेरिजन में इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल लीडर थी। ऑफकोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर बाइडेड बाई ए प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। तो पावर जो है उस पर्सन की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है जो पावर होल्ड किए है।